असली घर तो ईरान है। ईरान? लेकिन हम मणिपुर में बैठता है। कहाँ पे असली घर? कहाँ है? कंगला तुम्बी, कंगला तुम्बी। असली घर? असली घर ईरान। ईरान में? आप ईरान से? ओ वाह। हेलो सर, कहाँ तक जा रहे हैं? खुशामा। इम्फाल जाना है। चलो गाइस ठीक है, तो भाई को अलविदा यहीं से कहते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, जल्दी जल्दी भाई भाई। खुशामा तक गाइस मुझे उन्होंने सर ने छोड़ दिया। डूजू को वैली से यहाँ तक 30 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो यहाँ से गाइस इम्फाल के लिए बॉर्डर चेक पोस्ट है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ दोबारा मैं आपके साथ आ चुका हूँ गाइस। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है गाइस और नितेश भाई और हम यहाँ पे बैठ के अंकल जी के शॉप के पास चाय पी रहे हैं। कल हमने परसों भी यहाँ पे आए थे तो हमने नाश्ता वास्ता चाय वाय पी थी और नितेश भाई को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। क्या बोलूँ, बट मन नहीं करा उनको छोड़ने का यार। बस प्रॉब्लम है इनकी भी, तो बन के घर जाना पड़ेगा उनको भी। घर से कुछ मैसेज आ गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इसी वजह जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नितेश भाई ने दो चाय मंगवा लिया, ये चाय और चाय पी रहे हैं। और अंकल जी ये रहे। अंकल जी कैसे? हेलो कर दीजिए सबको। हाय, आइए जुको आने से। हाँ, और एक और बात, तो गाइस अभी हम डिजुको वैली के साथ डिजुको में हैं। तो यहाँ से हमने ट्रैक व्रैक करके आ चुके हैं, पूरा घूम के आ चुके हैं। वो वाली वीडियो आप जाके देख लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू है वहाँ पर आपको मिलेगा। और आपको तो भाई मोस्ट वेलकम यहाँ पे जरूर आइए। अंकल जी थोड़ा बता देंगे इसके बारे में। वैसे तो हमने अपना एक्सपीरियंस तो हमें आपको बता ही दिया वीडियो के अंदर। और अंकल जी बताइए कैसा है यहाँ पे डिजुको वैली? डिजुको वैली बढ़िया है, बहुत अच्छा है, घूमने लायक है। हाँ, और जब भी आप आते हैं तो यहाँ पर आएंगे। हाँ हाँ, और हाँ राइट राइट है। तो गाइस डिजुको वैली आप देखोगे ना, जो उसके बाद जब यहाँ पे आप उतरोगे तो यहाँ पे अंकल जी की चाय पी लेना। हाँ हाँ, गजब है भाई, सही में। समोसे पूरी, हाँ समोसे, हाँ राइट यार, समोसे और पूरी सब्जी। वाओ यार, देखो अभी भी गरम गरम बना रहे हैं हमारे लिए, हम खाएंगे। अभी तो हमने चाय भी पी ली है और बहुत मजा आ रहा है। तो अंकल जी का नाम पूछते हैं। अंकल जी आपका नाम बता दीजिए। हमारा अधिकारी है। हाँ अधिकारी। इनके होटल का नाम ऊपर बोर्ड पे आपको दिख जाएगा, होटल टी के नाम से ना, टी होटल के नाम से दिख जाएगा। आप देख लेना, अंकल जी यहाँ बैठे हुए मिलेंगे। और भाई चाय पी के जाना और नाश्ता करके जरूर जाना भाई, प्लीज़। ठीक है, और रितेश भाई यहाँ से अलग हो जाएंगे और मैं भी यहाँ से अलग हो जाऊँगा। मैं इम्फाल के लिए तब जाऊँगा, दिमापुर के लिए जाएगा और मैं इम्फाल के लिए जाऊँगा, तो मतलब मणिपुर के लिए जाऊँगा मैं नीचे, है ना। उधर उस तरह भी पड़ता है मणिपुर की तरफ इम्फाल। सो गाइस फाइनली गाइस अंकल जी की शॉप से हम टी होटल के यहाँ से आ चुके हैं, चाय वाय पी के रोड पे आ गए। ये छोटी सी मार्केट आज लगी है, मंडे है। और रितेश भाई और हम यहाँ पे, यहाँ से ये भाई इस तरफ जाएंगे और मैं इस तरफ जाऊँगा गाइस। ठीक है, तो बस रितेश भाई को अलविदा कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं यहाँ से, अलविदा हो रहे हैं धीरे धीरे। बहुत मज़ा आ रहा है, मिलते हैं जल्दी नए सफर पे। नए सफर में तो बीच में कह रहे हैं कि कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम, मतलब टाइमिंग को मिला तो उस पर दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे हमारी जर्नी में। ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम है भाई, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करके होगा तो आ जाएंगे गाइस। ठीक है, हाँ तो भाई मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार बहुत हमने इतना मतलब 25 डेज हमने इतना। चलो गाइस ठीक है, तो भाई को अलविदा यहीं से कहते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच भाई, जल्दी जरूर जरूर भाई, भाई। ठीक है, ओके चलते हैं। तो सो गाइस फाइनली हम इस तरफ इस रोड पे आ चुके हैं और नितेश भाई वहाँ पे है, वो भाई उस तरफ चले जाएंगे दीमापुर की तरफ, कोयमा उस तरफ, मतलब घर ही जा रहे हैं एक्चुअली। तो मेरा सफ़र मैं अकेला हूँ अभी, ट्रैवलिंग में अकेले जो सफ़र कर रहा हूँ और यहाँ से मैं हिचहाइकिंग मारने मतलब हिचहाइकिंग लेने की कोशिश करूँगा। और बहुत अच्छा लगा नितेश भाई के साथ मिलके। तो फाइनली गाइस नितेश भाई आगे की तरफ चले गए, उनको लिफ्ट मिल गई थी शायद, और मैं अभी आगे तक जा रहा हूँ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ लिफ्ट की। यह हाईवे रोड है तो यहाँ से मुझे जाना है इम्फाल के लिए जो मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, मणिपुर से फिर मैं नीचे जाऊँगा मिजोरम के बाद त्रिपुरा, तो पूरा मुझे एक्सप्लोर करना है मेघालय तक नीचे से, मतलब अगरतला जो भी पड़ता है सारा का सारा त्रिपुरा सारा जगह। तो लिफ्ट मारने की कोशिश करूँगा, अभी कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है, देखते हैं मैप में देखता हूँ, छोटी छोटी लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा। फिर कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो बड़ी लिफ्ट ज़्यादातर, मतलब पहले उनसे पूछिए कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, कभी भी पूछे तो पहले आप अपना जवाब मत दीजिए कि भाई आप कहाँ तक जा रहे हैं, मेरे को वहाँ तक जाने ये मत पूछिए, पहले उनसे पूछे कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, तो कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, तब उनसे पूछे कि मुझे यहाँ तक जाना है।
जो आपकी जगह जो आपने सेलेक्ट की है वो जगह वो जा रहा है तो उसके साथ ज्वाइन हो जाइए। और वैसे वो तीन वैसे तो वो बोलेगा 3-4 किलोमीटर में आगे तक जा रहा हूँ, तो भाई वहाँ तक आप चले जाइए, फिर उसके बाद उतर के फिर दूसरा हिचहाइकिंग फिर स्टार्ट कर दीजिए, मतलब लिफ्ट लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं अकेला हूँ ट्रिप में, बट यार बड़ा सोना लग रहा है, नितेश भाई नहीं है, बट नितेश भाई को आई मिस यू यार, बहुत मिस कर रहा हूँ नितेश भाई को, पर उनके साथ भाई बिताए भाई 20 डेज, मतलब हमने ट्रैवलिंग करी उसके साथ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ भाई घूमने में। थोड़ा मतलब हल्की मुल्की बात भाई ऊपर नीचे होती रहती थी, बढ़िया की बात में घुल मिल जाते थे, तो कभी हमारी मस्ती हो जाती, कभी कभी कुछ बहस हो जाती थी, तो यार वो चीज़ें मेमोरी बड़ी दिमाग में आ रही है मेरे बहुत ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है उस चीज़ों को याद करने में। तो देखते नितेश भाई कभी दोबारा ट्रिप में आएंगे तो फिर दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे हम, तो मैं यहाँ से लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा। तो सो गाइस 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिली मुझे, मैं यहाँ पर रोड पर इंतज़ार कर रहा हूँ, जो मणिपुर और नागालैंड का जो बॉर्डर पड़ता है इस तरफ हूँ, और ये टेम्पो आ रही है, तो देखता हूँ कोशिश करता हूँ लिफ्ट मांगने की, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर वेट करना ही पड़ेगा भाई, कुछ पता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोडिंग वाली चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, तो ट्राई करते हैं, मैं भी 2-3 ट्राई किया लिफ्ट मांगने की तो मिली नहीं, तो पूछता हूँ मिल जाए तो कर देंगे, नहीं लोडिंग है भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई किसी ने भी नहीं रोका अभी, तो कोई नहीं आगे तक हम ट्राई करते रहेंगे, और लिफ्ट मिल गई तो ठीक, नहीं तो क्या कर सकते हैं इसमें, वेट ही करना पड़ेगा भाई, वेट करना पड़ेगा पड़ेगा, कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो वेट एंड वॉच। पूरा रोड खाली है, कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और एक इस तरफ रास्ता जाता है, एक टेम्पो वाले ने रोका, बट उन्होंने कहा कि हम इस तरफ जाएंगे अंदर जाएंगे अंदर, तो उधर से चला गया, तो वैसे लिफ्ट दे देते टेम्पो वाले जो होते हैं ना, वो लिफ्ट दे देंगे आपको पीछे जो खाली होती है और रोली होती है, पता नहीं क्या कहते उसको, टेम्पो ये होता है छोटा सा, मतलब महिंद्रा वहिंद्रा वाला टेम्पो होता है वो ऐसा। तो देखता हूँ अभी ऐसे कोई गाड़ी नहीं आ रही, 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे खड़े होते, और नितेश भाई तो बहुत चले गए आगे तरफ, तो वहाँ से मैं यहाँ पे 2 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ, क्योंकि ये रास्ता मोड़ है तो इस तरफ लोग चले जाते हैं, तो मुझे जाना है इम्फाल के लिए तरफ, मतलब मणिपुर की तरफ जाना है, तो इम्फाल पहुँचते ही तो आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट मिलेंगे देखने के टूरिस्ट प्लेसेस, तो वो जो मैं एक्सप्लोर करूँगा और वो मैं आपको दिखाऊँगा गाइस, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस, मतलब वीडियो अच्छे लगे ना तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो, में कुछ गलती है कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, बताना था, और लाइक कर दिया करो यार, लाइक से मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, अच्छा लग रहा है जो भी है। तो लिफ्ट मांगने की मैं कोशिश करूँगा, लिफ्ट तो मिल नहीं रही है क्योंकि ब्लैरो चल रहा है भाई, ये इस तरह मुड़ गया, ठीक है, पता नहीं इसी तरफ गाड़ी जा रही है, सीधी कोई गाड़ी ही नहीं आ रही, मतलब बहुत देर देर तक आ रही है, आएगा अभी मॉर्निंग का टाइम है, मान लीजिए अभी सुबह के टाइमिंग क्या हो रहा है इसके अंदर, मान लीजिए अभी 10:30 हो रहे होंगे मैक्सिमम, 10:30 से 11 बज रहे होंगे, तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो सो गाइस बहुत कम से कम 1.5 घंटा हो गया खड़े होते, कोई लिफ्ट नहीं मिली, बड़े ट्रक आ रहा है, देखता हूँ ट्राई करता हूँ लिफ्ट मिल जाए, मतलब 4-5 किलोमीटर लिफ्ट मिल जाएगा, कहीं शहर में चला जाऊँगा तो वहाँ से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं गिराना है कोई लिफ्ट ही नहीं मिल रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ लिफ्ट मिल जाए तो यार, आई होप, तो रोकने की कोशिश कर दे वैसे ठीक, नहीं तो फिर देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। हेलो सर, कहाँ तक जा रहे हैं? कुशामा, इम्फाल जाना है, वहाँ तक छोड़ देंगे, बैठ जाएं, कैसे खुलेगा यहाँ से? ओके थैंक यू वेरी मच, हाँ सर यार, एक सेकंड बैठता हूँ, हाँ दिल्ली, हाँ दिल्ली से, थैंक यू, ओह माय गॉड। तो गाइस 1.5 घंटे के इंतज़ार करने के बाद सर जी मिले इम्फाल, हाँ इम्फाल के लिए नहीं, खुशी कहाँ से छोड़ेंगे? खुशी तक,
तो खुशी तक कोई छोड़ देंगे, वहाँ तक 5-7 किलोमीटर है, फिर वहाँ से देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बैग उतार लेता हूँ गाइस। वाओ गाइस, सुपर एक्सपीरियंस। नाम नाम क्या है सर आपका? एवेजो। अच्छा, तो सर जी ने इन सर जी ने एवेजो सर ने हमें लिफ्ट दिया है खुशी तक। हाउ मैनी किलोमीटर? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, ओके। 60 किलोमीटर के बाद इम्फाल है? नहीं, में ओके, माऊ में। माऊ तक के लिए हमें लिफ्ट दी है, मतलब माऊ से थोड़ा खुशी पड़ता है वहाँ तक के लिए लिफ्ट दी है। बट इम्फाल यहाँ से 167 किलोमीटर है, मतलब 170 किलोमीटर के आसपास लिफ्ट है। तो ऐसा कुछ है, मेरा बैग ये रहा। तो भाई रोड देखो कैसा कंडस्ट्रियल ये रोड है, थोड़ा भी रोड अच्छा खासा नहीं है नागालैंड का, कुछ ज़्यादा यार बस काम प्रोसेस पे है। कहीं कहीं पर रोड अच्छा है, कहीं कहीं पर रोड अच्छा नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है, फाइनली लिफ्ट मिल गई यार, थैंक यू सर का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम एक बार और बता दीजिए। एवेजियो। ओ थैंक यू वेरी मच। खुजामा तक गाइस उन्होंने सर ने छोड़ दिया डुजुको वैली से, यहाँ तक 30 किलोमीटर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 20 किलोमीटर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ से गाइस इम्फाल के लिए बॉर्डर चेक पोस्ट है, ओके। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फाइनली गाइस सर ने यहाँ तो मुझे ट्रक वाले ने हमें दे दी, और यहाँ से थोड़ा सी देर में चेक पोस्ट है मणिपुर का और नागालैंड का। सो गाइस अमेजिंग एक्सपीरियंस था गाइस, सर के ट्रक में बैठ के वाटर टैंक के जो पानी लेके जाती है, तो यहीं उन्होंने यहाँ तक मुझे छोड़ दिया। कुशामा पड़ता है ये, ठीक है, जो मणिपुर के अंदर। तो यहाँ से चेक पोस्ट है मणिपुर का और नागालैंड का, या माऊ तक, माऊ का चेक पोस्ट था गाइस वो, मतलब जो मणिपुर के अंदर पड़ता है ना सर। आपका नाम सर? सुरेश। ओ वाह सुरेश भाई, हमें लिफ्ट दे दिए हैं, थैंक यू वेरी मच सुरेश भाई, वेलकम, वेरी नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। ओ वाह बहुत ही अच्छे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, कानपुर बहुत मदद करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो असम से। असम से आप? ओ असम से भाई यहाँ पे आए, और हम चलते चलते भैया ने लिफ्ट दे दिया, और एक महेश भाई थे तो उन्होंने लिफ्ट दिया था ट्रक में। ट्रक में अभी मैं आया वहाँ से, उन्होंने सर ने मुझे लिफ्ट दिया। तो सुरेश भाई ने मेरा बैग पकड़ लिया है, यहाँ रख दे। हाँ ओके। तो थैंक यू सुरेश भाई, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मतलब यहाँ तक छोड़ा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। ओके थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं फिर, नाइस टू मीट टू अगेन। आपका या सर्च करिए आप यूट्यूब चैनल पे, नोमेट सूर्या, नोमेट सूर्या आपका वीडियो मिलेगा इसमें। आपका फोन है? फोन है, हम फॉलो कर देंगे। अच्छा, नोमेड NOMAD सूर्या SURY सूर्या। ओके थैंक यू वेरी मच। माऊ से आगे आने, माऊ से उससे पहले से रोड बहुत ही खराब है गाइस यहाँ का, तो देखते हैं आगे क्या मणिपुर का रोड कैसे मिलता है, बट रोड बहुत खराब है। और भाई ट्रक टेम्पू बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे उन सबके साथ में। और गाइस वीडियो में बने रहे, ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला आपको वीडियो में भाई, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी ट्रैवलिंग में, क्योंकि मैं अभी अकेला ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बैठूंगा आराम से, पानी वानी पीता हूँ, रेस्ट करता हूँ। लोकटाक लेक। अच्छा लोकटाक लेक, अच्छा ओके। तो भाई एक्चुअली आप कहाँ से? मैं गुवाहाटी से। ओ वाओ नाइस टू मीट यार, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा मुझे आपसे। मोस्ट वेलकम। अभी सर भैया भी जा रहे हैं इम्फाल की तरफ, तो अभी घूमने जा रहे हैं या वर्क कोई जा नहीं? अच्छा ऑफिशियल काम पे जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो भाई ने बोला है कोई अच्छी जगह, तो वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा भाई थोड़ा, और आपको मिलेगी जल्दी वो वीडियो, ठीक है। सो फाइनली गाइस मैं मणिपुर के अंदर तो आ चुका हूँ, और चेक पर क्रॉस कर लिया है, और एक रेस्टोरेंट के पास आया, और मुझे जलेबी दिखी किसी रेस्टोरेंट में, और पकोड़े। वाह यार गर्म है या, तो मुझे जलेबी, आई लव जलेबी एंड मिल्क, बट भाई जलेबी खाने का मन बहुत मन कर रहा था, बहुत दिनों बाद खाया नहीं, तो जलेबी खा रहा हूँ और पकोड़े हैं वो खा रहा हूँ, और फिर उसके बाद इम्फाल के लिए हम तब जाएंगे। तो
यार यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं, तो मुझे मेरी बहुत हेल्प करी यहाँ के लोगों ने। यहाँ तक मुझे वहाँ से डुजुकू तक यहाँ तक मुझे लिफ्ट मिला। एंड थैंक यू वाइस, आपने मुझे मतलब आप जब वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड खाता हूँ और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं आगे। तो गैस मैंने जलेबी और पकौड़े खाए, मज़ा आ गया देख खा के। और भाई ये एक्चुअली ये जो भाई थे ये बिहार से थे और प्रॉपर ये काम करते हैं यहीं पे, तो बिल्कुल अच्छा लगा। और भाई मैंने जलेबी और पकौड़े खाए और मैंने बोला कि पेमेंट तो 20 रुपीज़ हुई, तो मेरा पेमेंट 20 रुपये हुआ। तो मैं पेमेंट देने जा रहा था, बस भैया ने बोला कि कोई नहीं आप मतलब मत दीजिए, रहने दीजिए, 20 रुपये हैं। तो उन्होंने पैसे नहीं लिया मुझे और ऐसे ही खिला दिया मुझे। तो यार थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा मिलके यार, थैंक यू लॉट। तो बहुत अच्छा लगा उनके, थैंक यू भाई, एक बार हाई कर दीजिए भाई। अच्छा पीटर, ओ वाओ पीटर ले यार, वेरी निक नेम पीटर। तमांग भाई ने मुझे लिफ्ट दिया यहाँ से माओ से इम्फाल के लिए, इम्फाल या राइट ना, इम्फाल के लिए। तो थैंक यू वेरी मच भाई पीटर भाई। इम्फाल के लिए तरफ जा रहे हैं, तो 100 किलोमीटर की लिफ्ट मुझे फाइनली मिल गई है। पीटर भाई आप कहाँ से? हम ये मेरा घर है वो कालातुम्बी में। कालातुम्बे? मणिपुर से आप? अच्छा कालातुम्बे, मणिपुर के अंदर कालातुम्बे पड़ता है। मेरा असली घर तो ईरान है। ईरान? लेकिन हम मणिपुर में बैठता है। कहाँ पे असली घर? कहाँ है? असली घर ईरान। ईरान में? आप ईरान से है? ओ वाओ, इंडिया में कहाँ मतलब अभी इंडिया से बाहर रहते हैं वहाँ पे आपका घर है? नहीं नहीं ईरान मतलब ये अच्छा अच्छा इसमें यहाँ पर पड़ता है। ये मणिपुर अंदर में? अच्छा अंदर में ईरान? ईरान मणिपुर के अंदर पड़ता है ईरान? ये हाँ मणिपुर के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये जहाँ देख रहे हैं ना ये तातुबी? हाँ पहाड़ी तातुबी बोलते हैं इसका जगह का नाम, तातुबी। हम लोग उधर से आया ना,